हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथ्स में रोमन नंबर करवाएंगे। रोमन नंबर बच्चों, आपको रोमन नंबर में पहले करवा चुकी हूँ। ये होती है एक तरह से रोमियन लैंग्वेज, इसलिए आज हम आपको इसमें रोमन नंबर करवाएंगे। कैसे लिखते हैं हम रोमन नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर वन, वन के आगे हम हमेशा वन डंडा खींचते हैं। टू, टू के आगे टू डंडे। थ्री, थ्री के आगे हम थ्री डंडे खींचते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा फोर आता है वो चेंज हो जाता है। फोर में हम पहले वन और फिर वी बनाते हैं। फिर आता है हमारा फाइव, फाइव में हम केवल वी बनाते हैं। सिक्स, सिक्स में वी और वन। सेवन में वी और टू डंडे। सेवन, एट वी और थ्री डंडे। नाइन, वन और एक्स। और टेन में हो गया हमारा केवल एक्स। ओके, देखिए एक बार दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। वन, वन डंडा। टू, टू डंडे। थ्री, थ्री डंडे। फोर में वन और वी। फाइव में खाली वी बनेगा। सिक्स में वी और वन डंडे। सेवन में वी और टू डंडे। एट में वी और थ्री डंडे। नाइन में वन डंडा और एक्स। और टेन में खाली एक्स बनेगा। ओके, अब आपको मेन ध्यान रखना है एक्स। अब यहाँ पे हमारा एक्स हो गया, तो अब हम एक्स को जो है अब हमें लिखना है इलेवन। तो इलेवन कैसे लिखेंगे हम, इलेवन लिखेंगे हम, इलेवन के आगे हम एक्स लिख देंगे। ट्वेल्व के आगे भी हम एक्स लिख देंगे। थर्टीन के आगे भी एक्स। फोर्टीन के आगे भी एक्स। फिफ्टीन के आगे भी एक्स। सिक्सटीन एक्स। सेवनटीन एक्स। एटीन एक्स। नाइनटीन एक्स। और ट्वेंटी, इनके आगे हम एक्स लिख देंगे। अब हमने आपको वन से लेकर टेन तक रोमन नंबर सिखाए थे, तो वैसे ही इनके आगे लिख देंगे। हमने इलेवन से लेकर ट्वेंटी तक सबके आगे एक्स लिख दिया। वन एक्स लगाना है, इसके आगे वन डंडा। इलेवन बन गया, टू डंडे। ट्वेल्व, थ्री डंडे। थर्टीन, फोर्टीन एक्स, वन और वी। फोर्टीन, फिफ्टीन एक्स और वी। सिक्सटीन एक्स, वी और वन। सिक्सटीन हो गया एक्स, वी और टू डंडे। सेवनटीन एक्स, वी और थ्री डंडे। एटीन एक्स, वन और एक्स। नाइनटीन और ट्वेंटी में हम टू एक्स लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ट्वेंटी। ओके, एक बार दोबारा देखिए। एक्स और वन इलेवन, एक्स और टू डंडे ट्वेल्व, एक्स और थ्री डंडे थर्टीन, एक्स वन और वी फोर्टीन, एक्स और वी फिफ्टीन, एक्स वी आई वी वन सिक्सटीन, एक्स वी टू डंडे सेवनटीन, एक्स वी थ्री डंडे एटीन, एक्स वन एक्स नाइनटीन और टू एक्स यानी कि ट्वेंटी। ओके, आगे देखते हैं। अब आता हमारा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी नाइन। फिर आता है हमारा थर्टी। चलिए देखते हैं ट्वेंटी वन में। यहाँ पर अब हम टू एक्स लगा देंगे, क्योंकि ट्वेंटी पे हमारे टू एक्स आए थे, तो अब हम सारे में टू एक्स लगा देंगे। क्या करेंगे, टू एक्स देखिए, टू एक्स लग गए। अब आपको वन से लेकर टेन तक फिर वही काउंटिंग करनी है। वन, टू, थ्री, थ्री फिर वन और वी, वन खाली वी, वी और वन, वी और टू डंडे, वी और थ्री डंडे, वन और एक्स और एक्स। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी नाइन और थ्री एक्स पर हो गया हमारा थर्टी। ओके,
फिर आते हैं हमारे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और फिर आता है हमारा 40। इसमें भी आपको भी करना है, यहाँ पर 3x बनाओ और इसके आगे 1 डंडा, फिर 3x बनाइए 2 डंडे, फिर 3x 3 डंडे, फिर 3x और 1 और v 34, 3x और 5 35, 3x 1 v और 1 36, 3x v और 2 डंडे 37, 3x v और 3 डंडे 38 और 3x 1 और x 39। अब आते हैं हमारा 40। 40 पर यहाँ पर डिजिट चेंज हो जाती है। 40 पर अब आएगा आपका x और l। 40 पर क्या आएगा? x और l 40। ओके, आगे देखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 41 से। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये होता है हमारा 50। ओके, तो 50 पे हम क्या करेंगे? पहले 41 पे देखिए, 41 पे अब हम x और l, हमारा 40 पे क्या आकर रुका था? x और l, हम सारे में x और l लिख देंगे। x l x l x l x l। अब देखिए 41 में फिर वही कर देंगे, 1 2 डंडे 3 डंडे। 41 में एक्स एल 1 एक्स एल 2 एक्स एल 3 फिर एक्स एल 1 और v एक्स एल v एक्स एल v और 1 एक्स एल v और 2 एक्स एल v और 3 एक्स एल v एक्स एल 1 और x। ये हो गया हमारा 49। अब हम आते हैं 50 पर। तो 50 पर ओनली हमारा l आता है। 50 पर हम क्या लिखेंगे? केवल l लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके रोमन नंबर। एक बार दोबारा समझा रही हूँ, समझ लीजिए। एक्स एल 1 41, एक्स एल 2 डंडे 42, एक्स एल 3 डंडे 43, एक्स एल 1 वी 44, एक्स एल वी 45, एक्स एल वी 1 46, एक्स एल वी 2 डंडे 47, एक्स एल वी 3 डंडे 48, एक्स एल 1 एक्स 49 और 50 पर आएगा केवल हमारा l। ओके, ये आपके रोमन नंबर है। सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और जिन बच्चों का रोमन नंबर कंप्लीट नहीं है कॉपी में, वे बच्चे अपने कॉपी में रोमन नंबर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।